परमेष्टी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज श्रवण संज्ञा सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज स्वामी के निर्माण दिवस के साथ साथ हमारे श्रवण संघ के वरिष्ठ उपाध्याय वाचन आचार्य डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मणि जी महाराज साहब का भी जन्म जयंती पर गुणगान समारोह चल रहा है। आप श्री जी की जितनी गुणगान गाए उतना ही कम है। महापुरुषों का गुणगान अथाह समुद्र के सागर के समान होता है, समुद्र के समान होता है, जितना गुण गाए उतना कम होता है। जन्म जयंती की शुभ बेला में स्वीकारो मेरा वंदन, जन्म जयंती की शुभ बेला में स्वीकारो मेरा वंदन, अर्पण करते हैं हम श्रद्धा सुमन,
अर्पण करते हैं हम श्रद्धा सुमन, हे नंदा कला के नंदन, हे नंदा कला के नंदन। भक्ति के धागों का ये लाया हूँ पुष्पहार, भक्ति के धागों का ये लाया हूँ पुष्पहार, अर्पण करता हूँ तब चरणों में उपहार। अंतर भावों के नभ में चमके आपकी शक्ति अपार। हे विशाल गुरुवर, 71वीं जन्म जयंती पर आप स्वीकारो मेरा वंदन। हे विशाल गुरुवर, 71वीं जन्म जयंती पर आप स्वीकारो मेरा वंदन। खुशी छा रही है, खुशी छा रही है, वचनाचार्य श्री विशाल गुरु की जयंती आ गए है। खुशी छा रही है, खुशी छा रही है, संयम ले यौवन में जीवन धन्य बनाया, संयम ले यौवन में जीवन धन्य बनाया, वासुदेव जी के कुल को तूने चमकाया, वासुदेव जी के कुल को तूने चमकाया। नंद कलामा हर्षित होकर गुनगुना रही है, खुशी छा रही है, खुशी छा रही है, वचनाचार्य श्री विशाल गुरु की जयंती आ गए है, खुशी छा रही है। कैसी सुंदर काया, कैसी सुंदर वाणी, कैसी सुंदर काया, कैसी सुंदर वाणी, कैसा सुंदर मन है, सुंदर है जिंदगानी, कैसा सुंदर मन है, सुंदर है जिंदगानी। सुंदरता ही सुंदरता है, सबको लुभा रही है, खुशी छा रही है, खुशी छा रही है। वचनाचार्य श्री विशाल गुरु की जयंती आ गए है, खुशी छा रही है, खुशी छा रही है। कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है, कभी फूलों में कभी कांटों में जिंदगी खिला करती है। विशाल गुरुवर की वाणी में जिंदगी खिला करती है। विशाल गुरुवर की वाणी में मिश्री सी घुला करती है। इनके चरणों में रख दो अपना माथा, इनके चरणों में रख दो अपना माथा, श्री चरणों की धूल मुश्किल से मिला करती है, श्री चरणों की धूल मुश्किल से मिला करती है। कैसे करूँ आप श्री के तारीफों की पहल, मैं हूँ खंडहर की मीनार, आप हो ताजमहल।
गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाए, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाए, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई। सफल किया है आपने जीवन ये अपना, सफल किया है आपने जीवन ये अपना, मुक्ति महल का ही संजोया है सपना, मुक्ति महल का ही संजोया है सपना, सुमती गुरु का शरणा है पाया, सुमती गुरु का शरणा है पाया, ज्ञान संयम का देखो दीप जलाया, ज्ञान संयम का देखो दीप जलाया, धन धन हमारे स्वामी, धन धन हमारे स्वामी, सूरत मन में समाए, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई। दुनिया में तुमसे संत कहाँ दिखते हैं, दुनिया में आपसे संत कहाँ दिखते हैं, दर्शन से तेरे नैना नहीं है थकते, दर्शन से तेरे नैना नहीं है थकते, लाखों का जीवन तुमने सवारा, लाखों का जीवन तुमने संवारा, गिरते हुए को दिया है सहारा, गिरते हुए को दिया है सहारा, ऐसे उपकारी गुरुवर, ऐसे उपकारी गुरुवर, मुक्ति की राह दिखाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर हो भोले भाले शासन की शोभा बढ़ाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई, गुरुवर देते हैं आपको बधाई। जन्म जयंती पर अर्पित है ये भाव की मणिमय माला, जन्म जयंती पर अर्पित है ये भाव की मणिमय माला, प्रेम भाव से ग्रहण करो और चहु दिशा करते रहो उजाला, चहु दिशा करते रहो उजाला, दिव्य है जीवन आपका, दिव्य है जीवन आपका, अनुपम है आपकी साधना, दिव्य है जीवन आपका, अनुपम है आपकी साधना, स्वस्थ रहे शरीर आपका, स्वस्थ रहे शरीर आपका, हर पल हमारी भावना, स्वस्थ रहे शरीर आपका, हर पल हमारी भावना। इन्हीं शब्दों के साथ
सब मिलके बोलेंगे। बोले वाचन आचार्य उपाध्याय पर्व डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब की। बोले श्रवण संगे सलाहकार राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब की। श्री महावीर भगवान को वंदन वारंवार, श्री महावीर भगवान को वंदन वारंवार, श्री महावीर भगवान को वंदन वारंवार, श्री चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन वाणी, जो अंतिम धर्म देशना श्रीमद उत्तराध्यान जी सूत्र के रूप में हमारे पास मौजूद है, उसकी आराधना साधना इस निर्माण काल के पवित्र दिनों के अंदर हम लोग कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण कल्याणक गौतम महाप्रभु को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति, और इसी के साथ साथ नया वर्ष, ये सभी श्रेष्ठ उत्सव आप लोग बड़ी धर्म आराधना के साथ मना रहे हैं। आज 2549 का सबसे आखिरी दिवस है। कल से जैन नया संवत प्रारंभ हो जाएगा। बड़ी सद्भावना के वातावरण में नया साल को प्रारंभ करना है। नया साल सुखद रूप से प्रारंभ होता है तो पूरा जीवन सुखद रहता है। बहुत लोग धर्म ध्यान करते हैं, आराधना साधना करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, और बहुत परिवार ऐसे हैं जो हमेशा नया साल और दीपावली के मौके पर गुरुदेव के चरणों में आते हैं। ऐसे परिवारों में आज डॉक्टरों का टीम पूरा का पूरा यहाँ पर उपस्थित है। डॉक्टर सतीश जी परिवार सहित आए हुए हैं, डॉक्टर बीना जी, डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर सविता जी, डॉक्टर लुणावत जी, उनका पूरा परिवार, ये सब ठेठ औरंगाबाद से और पुणे से यहाँ पर आए हुए हैं, जो हमेशा गुरुदेव के चरणों में आते हैं, नए वर्ष की खुशी मनाते हैं, और हर साल इस तरह से अपने घर की दीपावली छोड़कर के गुरु चरणों में आना, ये भी बहुत बड़ी श्रद्धा सद्भावना समर्पण भाव की बात है। हम कहते हैं तुम दीपावली में घर में नहीं रहते हो तो लक्ष्मी का स्वागत कैसे करोगे? लक्ष्मी आएगी चली जाएगी तो कैसे काम चलेगा? वो कहते हैं महाराज लक्ष्मी की तो पूरी कृपा है, इसलिए आते हैं हम लोग, बिना लक्ष्मी के कहाँ आया जाता। सद्भावना रखते हैं, गुरु भक्ति रखते हैं, प्रभु भक्ति रखते हैं, और उनमें पुरुषार्थ करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो आप सब और ये सब धर्म ध्यान करने वाला परिवार यहाँ पर आया हुआ है, सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सद्भावनाएं। आज उत्तराध्यान जी सूत्र का यहाँ पर समापन हम संपन्न कर रहे हैं। 36वां अध्ययन चल रहा है। आज वैसे गौतम प्रतिपदा है, गौतम का तो नाम सुनते ही मन के अंदर हर्ष की लहर उठती है। अंगुष्ठे अमृत वर्षे लब्धि तना भंडार, वो तो लब्धियों के भंडार हैं। अंगुष्ठे अमृत वर्षे, जिसके अंगूठे के स्पर्श करने मात्र से हर तरह का जहर खत्म हो जाता था, ऐसी अद्भुत आत्मा
ऐसी अद्भुत साधना करने वाले, ऐसी महान आत्मा का स्मरण का ये दिवस है और उनके चरणों में नतमस्तक होने का, उनको याद करने का ये दिवस है। भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान, केवल दर्शन, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण और साथ साथ में प्रभु परमात्मा स्वरूप गौतम महाप्रभु का निर्वाण, ये पवित्र दिन, ये पवित्र स्मृतियों के साथ हम लोग उसकी आराधना साधना कर रहे हैं। इसके आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। गौतम महाप्रभु क्या थे? उनको चार ज्ञान, सारा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, सब कुछ था। चार ज्ञान के धनी थे। दुनिया के अंदर ऐसा कोई चीज नहीं जिसको न जानते हों, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बिल्कुल बाल भाव से रहते थे, बालक के रूप में रहते थे। जिस समय एक बार विचरण कर रहे थे तो पता लगा आनंद श्रावक ने अंतिम संलेखना लिए, उसने अंतिम संलेखना लिए आनंद श्रावक ने, और वो उद्योगपति था, प्रभु परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले। उसने धन से, दौलत से, समृद्धि से भगवान के शासन को चार चांद लगाया था। तो उद्योगपति जहां पर जुड़ते हैं, ऐसे लक्ष्मी पुत्र जहां पर जुड़ते हैं, तो वहां पर धर्म की अपरंपार प्रभावना होती है और धन के माध्यम से आदमी क्या कुछ जीवन के अंदर कर नहीं सकता। ऐसे महान उद्योगपति, हजारों लाखों लोगों को जिन्होंने धर्म से जोड़ा था, ऐसे आनंद ने जिस समय अंतिम जो है संलेखना ले ली, गौतम को पता लगा, वो गोचरी को गए हुए थे किसी गांव में, उन्होंने सोचा चलो वहां होते हुए चलता हूं, वहां पधारे। जिस समय आनंद को पता लगा, वो जो संखारे के बावजूद खड़े होकर के उनका स्वागत किया, आंखों से श्रद्धा के, खुशी के आंसू बहने लगे, भगवान आपने तो मेरे को कृत कृत कर दिया। पोषशाला के अंदर लेकर के गए, वहां पर उनको कहा तुम बैठो, वहां पर प्रभु विराजे, और ये जिस समय पूछा सब ठीक चल रहा, उन्होंने कहा प्रभु आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा, अच्छी अनुभूतियों में हो। जब वो अपने अनुभूतियों को सुनाने लगा, जब अपना मैंने क्या क्या देख रहा हूं, प्रभु पूरब में देखता हूं तो क्या कुछ दिखाई देता है, पश्चिम में देखता हूं तो क्या कुछ दिखाई देता है, गौतम स्वामी सहम गए। उन्होंने कहा भगवान ऊपर में देख रहा हूं तो वहां तक देख रहा हूं और नीचे दिशा के अंदर वहां तक दिखाई दे रहा है। गौतम महाप्रभु का चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्होंने कहा आनंद, असत्य की आलोचना करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा आलोचना कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रावक बने में इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होना संभव नहीं जैसा तुम बता रहे हो। उन्होंने उनके चरण छुए, आनंद ने प्रभु बस मेरे को आप इतना बता दीजिए, बस मेरे को सिर्फ आप इतना बता दीजिए। बंधु गौतम महाप्रभु थे तो आनंद भी भगवान का शिष्य था, श्रावक क्यों न हो, गृहस्थ में क्यों न हो, उसका आत्मबल भी इतना था। जब उन्होंने कहा, उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया क्यों आलोचना करूं, प्रभु ने कहा तुम्हारे को अपनी आलोचना करनी चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं पूछा आलोचना क्यों करूं। उन्होंने सिर्फ कहा चरणों में हाथ लगा करके, भगवान आप इतना बता दीजिए, भगवान महावीर स्वामी के शासन में, आपके शासन में सत्य की आलोचना होती है या असत्य की आलोचना होती है? अगर गलत बात बोला जाए तो उसकी आलोचना होती है, तो सत्य बोलने की भी आलोचना होती है। उन्होंने कहा आनंद, सत्य की थोड़ी आलोचना होती है, असत्य बोलते हैं, असत्य भाषण करते हैं तो आलोचना होती है, तो प्रभु फिर तो आपको ही आलोचना करनी होगी। बंधु कितनी हिम्मत थी उस व्यक्ति में, वो कहता प्रभु आप खुद आलोचना करें, आपको ही आलोचना करनी चाहिए।
गौतम ने वहां पर अपने ज्ञान ध्यान का हिसाब नहीं लगाया, वहां से उठे और सीधा समोसरण के अंदर आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आनंद के पास गया था। अंतिम जो है साधना में भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि आयुष्मान गौतम, आनंद जो कह रहा है उसके अंदर कोई असत्यता नहीं, उसकी साधना इतनी जबरदस्त है, उतने ऐसे उत्कृष्ट साधना श्रावक धर्म की है, उत्कृष्ट आराधना साधना व्रत पालन के अंदर है, वो जो कह रहा उसमें कोई असत्य नहीं। वहां से चरण छू करके सीधा आए और हाथ जोड़ करके श्रावक जी से क्षमा याचना की, ये आनंद आप बिल्कुल सही कह रहे, मैं भूल में था, मुझे ही समझ में नहीं आया था, मैं असत्य भाषण कर रहा था, मैं उसके लिए तुमसे क्षमा याचना करता हूं, बार बार क्षमा याचना करता हूं। आनंद ने उनके हाथ पकड़े, ऐसी आत्माएं थी, ऐसी सरलता थी, ऐसी दिव्यता थी, ऐसे भद्रिक लोग थे जिन लोगों ने इस शासन की गरिमा को इस तरह आज तक जो है पहुंचाया, ऐसी महान आत्माओं को हम इन दिनों के अंदर याद करते हैं, प्रभु परमात्मा को याद करते हैं, उनके उत्कृष्टतम चरित्रों को याद करते हैं और उससे हमारे को मार्गदर्शन मिलता है, हमारी पुण्यवाणी होती है, ये हम सबकी अपनी पुण्यवाणी है, ऐसे चरित्र को सुनने का स्मरण करने का मौका मिलता है। तो आज शास्त्र का जो उत्तराध्ययन जो सूत्र की वाचना चल रही है उसका समापन कर लेते हैं और फिर हमारे पुनित जी महाराज साहब ने खूब जो हमारे बारे में बहुत कुछ कहा, मणिवदन जी महाराज साहब वो जो कहते रहते हैं, ये छोटे संत मुनिराज हमारे प्रति अत्यंत श्रद्धा सद्भावना रखते हैं, ये सब सम्मान मैं समझता हूँ ये हमारे जन्म का नहीं है, ये हमारी दीक्षा का है, कि अगर हमारे जीवन के साथ अगर दीक्षा न जुड़ी हुई होती तो कौन किसको याद करता, कौन ये भावना भक्ति का ये भाव जो है प्रकट होता, तो उस दीक्षा भगवती का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, वो दौलत गुरुदेव ने हमारे को दी, ऐसी दौलत दी दुनिया के किसी भी कोने के अंदर पहुंचे तो कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रही, दीक्षा भगवती अद्भुत है, दीक्षा भगवती का अनंत अनंत उपकार है, वो दीक्षा भगवती की कृपा है जिससे आप लोग हमारे प्रति एक सद्भावना रखते हैं, आदर रखते हैं, सत्कार रखते हैं, सम्मान रखते हैं, हमारे हर चीज का मान सम्मान हो जाता है, मैं समझता हूँ ये मेरा नहीं ये दीक्षा का है, और दीक्षा किसने दी है, गुरु जी ने दी है, इसलिए वो सब हम हमेशा गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं, उनको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, उनकी छत्र छाया बनी रहे, वो हमेशा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, उनकी कृपा दृष्टि बरसती रहे, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ आज का ये समापन का कार्यक्रम थोड़ा सा संपन्न करते हैं। और 36वां जो अध्ययन है जीव अजीव विभक्ति, जीव विज्ञान और अजीव विज्ञान का एक अद्भुत अध्ययन है, इसमें 200 जो है गाथाएँ हो चुकी हैं और एक दो गाथाएँ आगे पीछे, क्योंकि अलग अलग प्रतियों के अंदर ऐसा है, तो इसमें जो 200 गाथाएँ वहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोग सुनेंगे तो पता लगेगा उसमें एक गाथा आगे होगा या पीछे होगा, जो भी होगा। पन्नरस तीस बिहा भियाय अठवीसाय संघा उक समो ते सिंह यशा बिहाहिया समुच्छीमान सैव भेव हुई बियाय लोगस एक देशम से सबके भी बियाया। मिल गया पाठ, मिल गया ना आप लोगों, ये 200 के आसपास ही है। समुच्छीमान ये सेव भेव हुई बियाहो लोगस एक देशम में ते सबे भी बियाया संत इं पप्पनाइया अपज्ज वशिया बिया ठीयम पड़ुच्च साइया सपज्ज वशिया बिया पलियोगमायम तिन्ने उकुशेन बियाया नाउ ठी मणुयाणम अंतो मूतम जहनिया पलियो ममाय तिन्नकोशेण वियाया पुब्बकोड़ी पुव पुहतेण अंतो मूतम जहनिया
काय अठी मुणुयानम अंतरम तेसिमं भवे अनंत कालम कोशम अंतोमोत्तम जहन्नयम ये शिंगवन्नौ चेव गंधौ रसफासौ संठान देशौ भावि बिहानाय साहस सहसौ देव चौ बिहा बुत्ता तेवी कितयसौ सुण भूमिजा बाणमंतर जुईष विमानियाता दशा भवन राशि अठा गणचारिणो पंचवीहा जुईषिया दुविहा विमानियाता असुरानन सुवन्न बिजु अग्निय आय्या दिवो दही दिशावाया थनिया भव अणवासियो पीसाय भूयजखाय रक्षाय किंगरा किंपुरिषा मुहुर्गाय गंथब्बा अठ विहा गणमंतरा चंदा सुराय नखत्ता गहा तारा गणाता ठिया विचारिणो चेव पंचा जुईषालया देवा विमानिया उजे देवा दुविया देवी आइया कपू वगाय बोधब्बा कपाइया तैवय कपू वगा बारसगा सोहमी शाण गाता अषण कुमार माहिंदा बम्बलो गाय वलंतगा महाशुक्का सहसारा आणया पाणयाता आरण अचुया चेव इह कपू वगा दुरा कपाइया ये देवी दुभिया देवी आइया गे विजाचरा चेवा गे विजा गण अणव हिया तई हेठिना हेठिना चेव हेठिना मज्जिमाता हेठिना कुबरिना चेव मज्जिना हेठिमाता मज्जिना उमज्जिना चेव मज्जिना उबरिनाता उबरिना हेठिना तेव उबरिना मज्जिमाता उवरिना उवरिना चेव शृंगेय गेविज्जनासुरा विजया विजयंता जयंता अपराजिया सप्तषट्ठीधगा चेव पंचहाणुत्तरा पुरसुरा इय विमानिया ये नेगहा इव मायौ लोकस एक देशमिते सभ्यते विहाय्या इत्तो काल विभागं तु ते शिंभुत्सं चोप्यम् संतं पपणाइया अपज्जवशिया विय ठिम पड़ुच्चाइया सपज्जवशिया विय सायं सागरमिकम उक्कोशेणधयं भवे भुज्ये भूमे जानां जहन्नेनं दशवासा सहस्या पलियोगमदूणा उक्कोशेण बियाणिया असुरिन्द विजेतानं जहन्ना दश सहस्रगा पलियो मम मेघम तु उक्कोशेण ठीं भवे वंतराणं जहन्नानं दश बाश सहस्या पलियो मम मेघम तु बाशलक्षेण हसाया पलियो मम ठभागो जुईषेषु जन्या दोचेव सागरायं उक्कोशेण व्याया सोहमं जहन्नेन एकं च पलियोगमं सागरा साह्या दुन्नीकोशेण व्याया ईशानम जहन्नेन साह्यं पलियोगमं सागरी सागराणी यत्सत्येव उक्कोशेण चीववे शणकुमारी जहन्नेन दुन्नीं कुसागरोगमा साह्या सागरा सत्ता उक्कोशेण चीववे माहिंदमि जहन्नेन साह्या दुन्नी सागरा दश चेव सागरायं उक्कोशेण चीववे बम्बलोये जहन्नेन सत्तौ सागरोगमा उचौ दश सागरायं उक्कोशेण थयं भवे लंतगम्ये जहन्नेन दशौ सागरोगमा सत्रश सागरायं उक्कोशेण थी भवे महासुक्के जहन्नेन चौदश सागरोगमा अठारश सागरायं उक्कोशेण थयं भवे सहसारम्य सहसारम्य जहन्नेन सत्रश सागरोगमा सागरा नौ अणुण विषमतु उक्कोशेण थी भवे आयणम जहन्नेन अठारश सागरोगमा विषम तु सागराय उक्कोशेण थी भवे पाणयम्मे जहन्नेन सागरा अणुण विषयी सायरागो सागरा एक विषम तु उक्कोशेण थी भवे और आण आण आरणाम्मे जहन्नेन विषयी सागरोगमा बाविषम सागराय उक्कोशेण थी भवे मोअचुयम्मे जहन्नेन सागरा इक विषयी ते विषम सागराय और उक्कोशेण थी भवे पणमम्मे जहन्नेन बाविषम सागरोगमा उद चौ विषम सागराय उक्कोशेण थी भवे बियम्मे सा जहन्नेन ते विषम सागरोगमा
पौन विषा सागराय कुपोषण थी भवे तयमी शयनम चौबीसम सागर भगवान छब्बीसम सागराय उपोषण थी भवे चौथम अजहनम सागरा परूं विषयी सागरा बत्तीसम तो उपोषण थी भवे पंचसमी सजहनम सागरा छब्बीसम सागरा अठवीसम तो उपोषण थी भवे छठमी जहनम सागरा सत्तवीसई सागरा चौणतीसम तो उपोषण थी भवे सत्तमी जहनम सागरा अठवीसई तीसम तो सागराय उपोषण थी भवे अठमी जहनम सागरा चौणतीसई सागरा एकतीसम तो उपोषण थी भवे अनवमी जहनम तेतीसई सागर उपमा तेतीसम सागराय उपोषण थी भवे चौसम भी विजयाई सु जहनिकतीसई ज अज हन्न मनुकुसो मनुकोषा तीर्थिशम सागरोपना महाविनाड़ी सपट्ठे ठीये सा विया जाचे वो आउठियम देवाणम तु विया साते सिंह कायठियम अण जहनु जहन मुकु जहन मुकोषिया अनंत कालम कोशम अंतो मूर्तम जहनयम विजनमी सहकाय देवाणम उच्चअंतरम अनंत कालम कोशम बाशपूतम जहननम अणायायीणम देवानाम गेविजानाम तु अंतरम संख्यज सागर कोशम बाशपूतम जहननम अनुत्तराणाम देवानाम अंतरेयम ध्यायम ये सिंहवन्नव चैव गंधव तेरसभासौ संठान देशौ व्यावी बिहाणाय तेरसौ संसारखाय सिद्धाय जीवा व्याया रुगिणो चैव अरुविदः अजीवा दुव्याविया इजीवा मजीवे दुच्च सत्तवीशी गुण सबणयाय मनुषाय रमिज संयमी मुनि तौ तो मुनिवासाणी सामन्न मुणुपालिया इमेण कमजोगेण अपाणम संलिये मुनि बारसे गौ वाषाई संलिहु कोशिया भवे संवत्सर मजिमाई मसाय जनिया पणमे बासचौ शौकम बीगई निर्जुणम करे बीगई बासच बासचौकम बीचित्तम तु तमम चरे एगंतर मायाम अरकटु संवत्सरे दुवे तौ संवत्सर रद्धम तु नाई बीगिंच तमम चरे तौ संवत्सर रद्धम तु बीगिंचम चु तमम चरे परिशी परिमियम च इमेव आयामम तम्मे संवत्सरे करे कोड़ी सह्यमायाम कटु संवत्सरे मुनि माशद्ध माशीयणं तु आहारेणं तवं चरे कप कंदप माभियोगं किंबीशियं मुहो मा मुहो माशुरत्तं च इयाव दुग्गयो मरणं मे पियायावन्ति मिच्छादंशनरत्ता शणियाणाहु शिंसगा इयते मृणन्ति जीवाते सिंहपुण दुर्लाभोई सम्मदंशणरत्ता अणियाणा शुक्लेश मूलेश मूगाणा इयते मरन्ति जीवाते सिंहशूलहा भवे कुबोई मिच्छादंशणरत्ता शणियाणा कन्नलेश मूगाणा इयन्ते मरणं मरन्ति जीवाते सिंहपुण दुर्लाभोई जीणवयणे अणुरत्ता जीणवयणम जे करंति भाविणम अमला असंकिलिठा ते हुंति परित्त संसारी बाल मरणा बहुशो अकाम मरणान यचेव भूणि मरियंति ते बरबराया जीणवयणम ते न जानंति बहु आयाम मिन्नाना समही उपाय गाय गुण गायी येण कारणेणम अरिहा आलोयणम सो कंदप कुकुराय कुकुयाय तह शील सहाव हास विगाय विमानंतो य परम कंदप भावनम कूणय मंता जोगम काम भूई कमम च जे पौजन्ति साय रस पैश अहितेयम अविभोगम भावनम कूणय नानस केवलीनम धम्मायरियस संगसाहुणं माई अवन्नवायी किंबिय संभावनं कुणई अणुबद्ध रोषपसरो तहय
निमित्तम में हुई पड़ी सेवी ये कारण आसुर्यम भावनम कुणई सत्थ ग्रहणम विषवक्षणम च ज्वलनम च जलपवेशय अनायार भंड सेवा जम्मण मरणानी बंधंती इय पाव करे बुद्धे नायाए परिनिब्बुए छब्ये उत्तरध्याये भव सिद्धिय समये पिवेमी इति 36वां अध्ययन यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। पुच्छी सुनम शमण महाणाय आगारिणो या परतीथ्याय शेके ने गंतह्य धम्म माऊ अणेलि शंसाहु समीक्षयाय कुहं चलानं पदं शणंसे शीलं कहं नाय श्रियस्यासि जानाशिनं बिकुजहातैनं आहासुयं भूहि जहानि संतं खेयन्नैशे कुशले महेशि अनन्तनानी अनन्तदंसि जसं शिणो चक्षुपैठ्यस जानाइदं मं च नीं च वि उड्डं कषाय जेथावर्जेयपाण शेनी शनिचेहि समीक्षपन्ने दिवे धम्मं समयं गुणाहु शेषावदंसि अविभूय नाणि निरामुवन्दे धियं धियपा अणुतरे शब्दजगंसि जं गन्थातीते अवै शेवुपन्ने अणियचारी ओहंतरे धीर्यणंत चक्षु अणुतरंत पैशूरियेवा वैरोयणिन्देव तवं पगासि अणुतरं धम्ममिनं जिनानं नेयामि पाशवासुपन्ने इन्देव क्षेपन्नयाक्षयसाय देवा महोदरिमाभिणन्त पारे अणाग्देवाकसायुक्ते निग्रेव देवा हि वै द्वीमं सेवारेण परिपन्नवारी सुदंशणेवाणगशब्दशेष्ठे सुरा शयन शयशानुयोजनानं तीवन्दगे पन्नगवेजयन्ते सेजोयनवैषहस्य उद्दुषितोरेच्छसमेगं पुट्ठेनैचीर्थैभूङ्गट्टे जंसूर्याहं परिवर्तयन्ति सेहेमवन्ने बहुदन्धरेय जंसिंहरतिं क्षेपमय सन्दमः पगासे विरायै कञ्चनमाठवन्ने अहंतरे पादुर्गे गिरिवरेशे जलेव मे मये मध्यमीयेण इन्द्रे पन्नायते सूर्यशोद्दलेशे एवं श्रिये उसभूरिपन्ने मनो सुदंशणस्येवजसो गिरिश पवोच्चै महतो पव्यश एतो वंशणे नायपुत्रे जायी जसो
सुषुप सुखम अपगंड सुखम संकिंदु यगंत वरात सुखम अणुतरकम परमं महेशी अशेषकम सविशोहिता सिद्धिं गतेशामनंत पते नानेन शीलेन यदंशनेन रुखे सुराज साम दीवा जनसिंहरतिं वेदयन्ती महिला कवे सुगावन्नमां सिद्धं नानेन शीलेन भूयि पंगे ठणियं वसत्तानानुत्तरेव चंदो पर संपन्न होता है। हमेशा हमेशा सूत्र वाचन की भावना बनी रहे, उत्कंठा बनी रहे। जब कभी भी मौका मिले हम इसका सान्निध्य प्राप्त करते रहा करें। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ अभिनय आसातना के लिए आलोचना करते हैं। आगमे तिवी पढ़ते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तद्वयागमे एवा ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगाओ तो आलम जम्मा इदम बच्चा मेलियम अणखरम अचखरम पयनम विनयनम जोगैनम कोशैनम सुट्ट दिनम दुट्टु परिच्छियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जायम सज्जाइये न सज्जाय नानस विषय जो मे देवशीय अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुःखम तस्मिच्छामि दुःखम तस्मिच्छामि दुःखम।
बोल भगवान महावीर स्वामी के। आप हम सब लोग भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव के उपलक्ष्य में उत्तराध्यन सूत्र की मूल वाचनी का श्रवण स्वयं वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से संपन्न किया। इसी तरह वाचनाचार्य नेपाल इंदौर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उनके जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी हम लोग संक्षिप्त रूप में मना ही रहे हैं। विविध कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रमों के साथ जन्मोत्सव का सुंदर माहौल चल रहा है। बाहर से अनेकों भाई बहनों का आगमन हो रहा है। अगाध श्रद्धा के साथ, गुरु भक्ति के साथ यहाँ पर लोगों की उपस्थिति हो रही है। इसी तरह नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय परिवार डॉक्टर श्री विशाल मुंजी महाराज साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ही डॉक्टर सविता खटोड़, जो अनन्य भक्ति रखती हैं, वो एक भजन औरंगाबाद से आए हैं। वो एक भजन अपने आराध्य गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के भाव सहित समर्पित करना चाहती हैं। सविता खटोड़ औरंगाबाद। इधर से चलो, इनकी आवाज़ बहुत तगड़ी है, इनकी आवाज़ बहुत तेज है, सुन तो लो एक बार ध्यान से सुनो। हाँ, सविता जी ने बहुत सुंदर शब्दों में गुरु के प्रति अपनी भावना रखी। मन में श्रद्धा और भक्ति हो तो एक पत्थर को भी भगवान बनाकर पूजा जा सकता है।
उस अजीब पत्थर को भगवान बना करके पूजने के लिए हमारी श्रद्धा और भक्ति हमें मजबूर करती है। तो बंधु, जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, जिस गुरु से हमने एक वितराग का मार्ग प्राप्त किया, उस गुरु के प्रति अगर ऐसे भावनाओं से भगवान और अरिहंत शब्द आते हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। गुरु ने हमें रास्ता दिया है, मार्ग दिया है। तो बंधु, श्रद्धा और भक्ति हमें इस तरह आराध्य गुरुदेव के गुणगान के लिए हमें विवश कर देती हैं। ऐसे ही प्रतिभा जैन अब आराध्य गुरुदेव वाचनाचार्य श्री विशाल मुंजे महाराज साहब के जन्मोत्सव पर ये भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतिभा जैन एक बार भगवान महावीर ने इंद्रभूति गौतम से कहा, इंद्रभूति हमारे पास साल और मासाल नाम के दो मुनि हैं,
उनके पूर्व मतलब दीक्षा लेने से पूर्व उनकी जो राजधानी पृष्ठ चंपा है वहाँ जाओ और इन मुनियों के साथ इनका नेतृत्व करते हुए तुम वहाँ जाकर गागली नामक राजा जो साल और महासाल मुनि के सांसारिक भांजे हैं उनको प्रतिबोधित करके आओ। इंद्रबुद्धि गौतम के नेतृत्व में साल महासाल मुनि पृष्ठ चंपा में पहुँचते हैं और वहाँ पूर्व मतलब दीक्षा से पूर्व वैराग्य आया प्रभु के वाणी सुनकर अपने भांजे गागली को अपना राज्य सौंपकर दीक्षा अंगीकार किया था। इंद्रबुद्धि गौतम ने उस महाराजा गागली को प्रतिबोधित करना प्रारंभ किया और प्रतिबोधित करते करते महाराजा को वैराग्य आया और दीक्षा लेने की तैयारी हुई। उसकी दीक्षा की तैयारी के साथ साथ उनके पिता और माता के भी मन में भाव आया कि हमारा पुत्र जो महाराज है वो दीक्षा ले रहा है तो हमको भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। उनको भी बात समझ में आई और उन्होंने अपने पुत्र के साथ दीक्षा अंगीकार की और प्रभु के आदेश अनुसार तीनों को दीक्षित करके साल महासाल और गागली उनके माता पिता उनको लेकर प्रभु के चरणों में इंद्रबुद्धि गौतम लौट रहे हैं। लौटते लौटते मार्ग में ही शुभ अध्यवसाय के कारण विशिष्टता के कारण पांचों को केवल ज्ञान और केवल दर्शन हो गया। कभी कभी जीवन में जब उत्कृष्ट भावना उठती है धर्म के प्रति धर्म के मूल्य को समझकर धर्म के प्रति श्रद्धा जाग जाती है तो हमारे आत्मा बहुत ऊपर पहुंची हुई होती। तो इंद्रबुद्धि गौतम के प्रतिबोधित करने के बाद दीक्षित होने के बाद उनकी भावनाओं में ऐसा परिवर्तन आया मार्ग में भावना चढ़ते 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 इतना उत्कृष्ट भावना में पहुंच गए केवल ज्ञान केवल दर्शन पांचों आत्माओं को हो गई। साल महासाल चंपा के महाराज गागली आदि पांचों को केवल ज्ञान केवल दर्शन की उपलब्धि हुई और ये केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद कहीं कोई उनका जीवन में परिवर्तन दिखता नहीं होते सिर्फ आत्मक शक्ति है। और इस तरह इंद्रबुद्धि गौतम और उन पांचों मुनि जब भगवान के चरणों में पहुंचे तो इंद्रबुद्धि गौतम ने जिस तरह से उनको समझाया था कि प्रभु के चरणों में ऐसा तुम्हें अभिवादन करना है इस स्थान पर जाके तुम्हें बैठना है ऐसा समझाया था उन्होंने, परंतु पांचों मुनि तो केवलियों की पंक्ति में जाकर के बैठ जाते हैं। तब इंद्रबुद्धि गौतम ने देखा कि इन्होंने गलती कर दी, परंतु प्रभु को सब पता था। तो प्रभु ने इंद्रबुद्धि गौतम से कहा, इंद्रबुद्धि केवलियों की आशा मत करो। ये बात सुनकर इंद्रबुद्धि गौतम को बड़ा आश्चर्य हुआ, प्रभु कह रहे हैं केवलियों की आशा मत करो, जिसको अभी अभी मैंने दीक्षा दिया है और दीक्षित करके मैं यहाँ तक पहुँचाया हूँ, अभी तो प्रभु के दर्शन भी इनको नहीं हुए और इनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, तो बंदो प्रभु की वाणी असत्य हो नहीं सकती। इंद्रभूति को बड़ा आश्चर्य लगा और इंद्रभूति ने कहा कि प्रभु के पाँचों को केवल ज्ञान हो गया? तो उनने कहा हाँ इंद्रभूति पाँचों को केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति। तब इंद्रभूति गौतम को बड़ा दुख लगा, उन्होंने सोचा कि प्रभु के चरणों में मैं इतने वर्षों से रहा हूँ, मैं किसी को प्रतिबोधित करता हूँ क्षण मात्र में अपने कर्मों की निर्जरा कर वो केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त करता है, मैं कैसा अभागा हूँ, मैं आज तक केवल ज्ञान केवल दर्शन के इस केवल दर्शन का स्पर्श न कर पाया। ऐसा जब भगवान के चरणों में जाकर अपनी कुछ वेदना रखी बातें रखी तो प्रभु ने कहा सारा समुद्र को तुमने तैर करके पार कर लिया है, तुम्हारा एक पैर समुद्र में है दूसरा पैर बाहर निकल चुका है, पर एक झटका दो वो दूसरा पैर भी तुम्हारा बाहर निकलने की तैयारी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं उस पैर को भी बाहर निकलने को तैयार हो गया हूँ, आप बतलाइए मुझे करना क्या होगा। प्रभु ने कहा था जो मेरे प्रति तुम्हारा विशेष जो अनुराग है अत्यधिक अनुराग है उसको तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। तुम कहते हो मेरे प्रभु, जन्मों जन्मों का हमारा संबंध था, पूर्व जन्म में न जाने कितनी बार हम परम